नमस्कार, विश्व विजेता में आप सबका स्वागत है। और अब से बस कुछ ही देर पहले अपने 35वें जन्मदिन पर विराट कोहली ने पूरे देश को अपने 49वें शतक का तोहफा दिया है। विराट ने सचिन के वनडे शतकों की बराबरी आज कर ली है। विराट कोहली ने आज अपना ईडन गार्डन्स में 49वां शतक मारा है और देखिए दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं 49 वनडे शतक बनाने वाले। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने इस मुकाबले में 327 रन का टारगेट रखा है। और अगर बाकी के बल्लेबाजों की बात की जाए तो श्रेयस अय्यर ने 77 रन की पारी खेली। रोहित शर्मा ने शुरुआत में अच्छी शुरुआत दिलवाई भारतीय टीम को, 24 गेंदों पर 43 रन कप्तान रोहित शर्मा ने बनाए। शुभमन गिल सस्ते में आउट हुए, उन्होंने 23 रन ही बनाए। लेकिन विराट कोहली आज की स्टोरी है। मेरे साथ कपिल पाजी स्टूडियो में मौजूद है। ईडन गार्डन्स में 50,000 लोगों की भीड़ के सामने विराट कोहली का 49वां शतक, और देखिए उन्होंने ये शतक बनाने के लिए 277 पारियां खेली हैं। और अगर तुलना की जाए गॉड ऑफ क्रिकेट मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से, तो उन्होंने जो 49 शतक बनाए थे वनडेयर्स में 451 पारियां खेलकर बनाए थे। औसत भी बेहतर है विराट कोहली की 58 की औसत से और 45 की औसत से बनाए सचिन तेंदुलकर ने। कुल मिलाकर 177 पारियां कम खेली है विराट कोहली ने, और 174 माफ कीजिएगा, और उन्होंने 49 वनडे इंटरनेशनल शतक लगा लिए हैं। और अभी विराट कोहली खेल ही रहे हैं, रिटायर नहीं हुए हैं, अभी मंजिलें और भी हैं। और कपिल पाजी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पाजी मेरे साथ ये पारी देख भी रहे थे। पाजी व्हाट अ डे, यादगार रहेगा विराट कोहली के लिए जन्मदिन। बिल्कुल, और शायद भंगड़ा डालने का टाइम है, बहुत ही बेहतरीन। देखिए हम अभी चर्चा कर रहे थे कि हम सोचते थे सुनील से बड़ा प्लेयर कौन आएगा। हाल ही में देखते देखते तीन चार प्लेयर ऐसे आए, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्राविड़, सचिन तेंदुलकर। हम सोचते थे सचिन से बढ़ के अब कौन आ सकता है, और देखते ही देखते 14 सालों में इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इससे ज़्यादा क्या तारीफ कर सकते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट में इनसे बड़ा कोई क्रिकेटर। और पाजी काबिले तारीफ बात यह भी है कि जितनी पारियां सचिन ने लगाई 49 शतक मारने तक, उससे 174 पारियां कम खेली विराट कोहली ने, और अभी भी खेल रहे हैं। तो उनके फैंस जो ये उम्मीद रखते हैं कि लगातार सेंचुरी निकलती रहे विराट कोहली के बल्ले से, वो भी ऐसी कोई गलत उम्मीद नहीं है। मेरे ख्याल से ये पॉसिबल है। देखिए उन्होंने अपना स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया, तो हमारी उम्मीदें तो बढ़ती हैं उनके साथ। अगर वो शतक हर बार बनाएंगे और जब रन नहीं बनाते तो हम कहते हैं ये क्या किया। लेकिन इतनी बड़ी और इतने हाई स्टैंडर्ड का आज प्रोफेशनल क्रिकेट, आपके पास कंप्यूटर हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बावजूद भी गेंदबाज इनको आउट नहीं कर पाते। और हर बार जितना भी कहो, सबसे ज़्यादा कि वनडे में औसत देखो वो ज़्यादा है। शतक बने ठीक है, उसके बाद औसत ये रखनी ये बहुत मुश्किल है मॉडर्न डेज में। हमने डॉन ब्रैडमैन का सुना था 99 की एवरेज है, अगर मॉडर्न डेज में कोई 60 से ज़्यादा जाता है वो भी वनडे क्रिकेट में, हैट्स ऑफ टू हिम। और मेरे ख्याल से हर दशक में एक ऐसा खिलाड़ी आता है जो आने वाले खिलाड़ियों के लिए नए नए जो एक माइलस्टोन्स है वो सेट करता है कि आइए अगर आप में है दम तो इन्हें तोड़ के दिखाइए। और वैसा ही कुछ रिकॉर्ड सेट किया आज विराट कोहली ने भी। अगर जन्मदिन पर बेस्ट स्कोर की बात की जाए तो वो आंकड़े भी इस वक्त आपके सामने हैं। सचिन तेंदुलकर इसमें लीड करते हैं, विनोद कांबली भी है, विराट कोहली है और नवजोत सिंह सिद्धू है। लेकिन ये बेहद यादगार दिन जैसे कि मैंने कहा पाजी आज रहेगा विराट कोहली के लिए, उनके फैंस के लिए, और ओवरऑल टीम इंडिया ने जो स्कोर खड़ा किया वो भी शानदार है इस मैदान में। आई थिंक देखो ये तमाम न्यू जनरेशन के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। हाँ उनके फैन तो चाहेंगे, वो तो हम उनके फैन है तो हम तो चाहेंगे हर बार सौ करें। लेकिन हम न्योता दे लेते हैं अपने बाकी के गेस्ट को भी। संजय बांगर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जीएस विवेक भी बहुत सारे फैंस के साथ ईडन गार्डन्स के मैदान पर खड़े हैं इस वक्त। संजय सबसे पहले तो आप भी एबीपी के मंच का इस्तेमाल कर सकते हैं विराट कोहली तक अपनी मुबारकबाद पहुंचाने के लिए। क्या दिन उन्होंने चुना है आज अपना 49वां शतक लगाया और सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी की। देखिए अपनी कहानी खुद लिखते हैं और इस तरह के मौके पर अपना 100 बनाना एक बहुत बड़ी बात है। और एक डिफिकल्ट विकेट था क्योंकि आसान विकेट था नहीं, बॉल काफ़ी ग्रिप कर रहा था और जो शुरुआत मिली उसके ऊपर पूरी तरह से बने रहे और पूरे 50 ओवर खेले। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सिंगल डबल से खेलते हैं, अलॉन्ग द ग्राउंड खेलते हैं, सारी रिस्क कट करके खेलते हैं और इतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन की है, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि। और इस दौर के
मैं समझता हूँ ये सबसे बड़े खिलाड़ी भारत की तरफ से। एक तरफ गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, दूसरी तरफ गोट ऑफ क्रिकेट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली। और विवेक आपके पास आ रहे हैं, फैंस से भी बात कीजिए, आप अपनी तरफ से भी। आपने कहा था कि आज का दिन यादगार हो सकता है, कुछ आंकड़े जो सुबह आपने बताए थे वो सब एक एक रूटीन सा हो गया विराट कोहली के लिए, नए रिकॉर्ड बनाना पुराने रिकॉर्ड तोड़ते जाना। विवेक आपको आवाज आ रही है? जी हाँ प्रीति, आपको हम बता दें कि यहाँ पर फैंस बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खुश हैं कि आज अपने जन्मदिन में उन्होंने अपना 100 बना दिया है। कोहली विराट जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। कोई कुछ कह नहीं रहा है प्रीति, सिर्फ कोहली कोहली यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि विराट ने ऐसी अच्छी पारी के लिए सबसे अच्छी खासियत यहाँ पर यह है कि अगर हम भारतीय पारी की बात करें यहाँ पर वो बहुत ही खास और दूसरी विराट कोहली की सोच ही समझी पारी, और यही सबसे बड़ी खासियत है यहाँ पर विराट कोहली की कि वो सोच समझ कर पूरे इनिंग्स को अपना कैलकुलेट करते हैं। और शायद ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोई ऐसा बल्लेबाज आज की तारीख में होगा जो अपनी पारी को इतनी अच्छी तरीके से कैलकुलेट करता हो कि उन्हें पता हो कि कौन से गेंदबाज को टारगेट करना है, कौन से गेंदबाज के खिलाफ रन बनाने हैं और कब इनिंग को होल्ड करके रखना है। क्योंकि आज की तारीख में अगर हम बात करें वर्ल्ड कप की, तो 16 में से 11 पारी में विराट ने वर्ल्ड कप में 50 से ऊपर का स्कोर बनाया है, और इसी वजह से आज ये हर कोई यहाँ पर कोहली कोहली का गुणगान कर रहा है। आपने विवेक, जब वैसे भी विराट कोहली मैदान में होते हैं तो कुछ कहने सुनने की कसर रह नहीं जाती है, और आज अपने जन्मदिन पर उन्होंने पूरे देश को जो तोहफा दिया है अपने शतक का, वो तो काबिले तारीफ है ही। देखिए विराट कोहली ने जिस तरह से भारतीय पारी को संभाला और अपने शतक तक ये पूरी मंजिल तय की, आखिर तक बने रहे, वो वाकई काबिले तारीफ है। 121 गेंदों पर 101 रन बनाए विराट कोहली ने। अपने एक्सपर्ट्स के पास एक बार फिर से चलते हैं। पाजी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, संजय बांगर भी हैं, अतुल वासन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन संजय मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी, किस तरह से आप इस स्कोर को देखते हैं, 327 का टारगेट दिया गया है दक्षिण अफ्रीका की टीम को। इस पिच पर कहा जा रहा था कि 280 और उससे ऊपर बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन टीम इंडिया ने वो एक्सपेक्टेशन को भी एक्सीड किया है, काफी आगे तक ले गए स्कोर को। उसकी बहुत बड़ी वजह है जिस तरह से पहले 10 ओवर्स में बल्लेबाजी हुई रोहित और शुभमन गिल की तरफ से, 10 ओवर में 90 के ऊपर वो स्कोर लगा दिया है, तो उसके कारण ये स्कोर 280 के बजाय वो 325 बन गया, जो 40-45 रन नई बॉल से जब फील्ड रेस्ट्रिक्शंस था। तो मुझे लगता है कि पहले 10 ओवर की बल्लेबाजी जिसके कारण एक बहुत ही अब मजबूत स्थिति में पहुंच गया है भारत। अतुल मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि आज आपके दोनों अनुमान गलत निकले, विराट कोहली 10 पर आउट नहीं हुए और 277 से कहीं ज्यादा टीम इंडिया ने स्कोर किया, क्या कहेंगे? देखिए ये मेरा वो है टोटका था ना, मैंने सारे कह रहे थे बनेगा तो मैं कह रहा नहीं बनेगा तो फिर बन गया, नजर ना लगे, बोले थे बन जाए, और मैं चाह रहा था कि वो कुछ रन, मैं सोच रहा था कुछ रन बचा ले सेमीफाइनल फाइनल के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब सारे कोटा होता है एक खिलाड़ी का एक टूर्नामेंट का, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। पर कमाल है, मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि एक होमिंग पिजन होते हैं, वो उनको पता होता है 5000 किलोमीटर उड़ के पहुंचते हैं, वो वहीं पहुंचते हैं जाते, तो कोहली जब शुरू होता है ना, और संजय ने बड़ी अच्छी बात की, ये जो प्लेटफॉर्म सेट करके दिया है ना रोहित ने, वो आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकती, वो हमारी जो है ना विराट को इस तरह का खेलने के लिए कम्फर्ट लेवल दे रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और रोहित शर्मा का जो कंट्रीब्यूशन रहा 40 रनों का, वो बेहद महत्वपूर्ण था भारत के इस बड़े स्कोर में। लेकिन पाजी एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अब 49 शतक हो गए हैं विराट कोहली के, लेकिन फिर भी ऐसा लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ये जो चर्चा है, ये जो हर बार उनके एक और शतक की उम्मीद होती है, वो कम होने वाली है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना स्टैंडर्ड सेट किया, अभी हम तमाम मीडिया वाले या जितने भी चैनल आप बोलेंगे कि 50वां शतक होना चाहिए, उसकी चर्चा होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। इससे नई जनरेशन जो आती है उनको बहुत खुशी होती है, जो नए बच्चे खेल रहे हैं उनके जुनून बन जाता है कि मुझे भी यहाँ तक पहुँचना है,
इसलिए उसके बावजूद भी जो आज इन्होंने क्रिकेट खेली, थोड़ी स्लो खेली है लेकिन बहुत सेंसिबल खेली है, समझदारी के साथ खेली। और हमें जडेजा और सूर्या का हमें योगदान ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने बड़े कम गेंद लेके ये टारगेट वहाँ तक बनाया, वरना लगता था कि 290 ही रह जाएंगे। लेकिन तारीफ विराट कोहली की, उन्होंने एक एंड पकड़ के रखा बिल्कुल। और विवेक, कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा था कि आज विराट कोहली की जो ये सेंचुरी आई है ये एक तरह से टीम वर्क रहा है। मुझे बताया जा रहा है कि विवेक मुझे सुन नहीं पा रहे इस वक्त, तो सवाल मैं ये आपसे ले लेती हूँ संजय की, ये टीम वर्क सा नजर आया कि विराट कोहली अगर अपनी सेंचुरी बनाने के लिए थोड़ा समय ले रहे हैं तो बाकी के जो बल्लेबाज उनके साथ थे दूसरे छोर पर वो तेजी से रन बना रहे थे। चाहे आप बात करें सूर्य कुमार यादव की 14 गेंदों में 22 रन और फिर रविंद्र जडेजा ने आखिर में आकर 15 गेंदों पर 29 रन बनाए। उससे बड़ी बात वो दोनों का तो कंट्रीब्यूशन गजब का है ही, मगर श्रेयस अय्यर की इनिंग, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शॉट्स लगाए खासकर तब्रेज शमसी के खिलाफ और कुछ यानसन के खिलाफ शॉट्स लगाए, बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश उन्होंने करी क्योंकि उनकी शुरुआत भी काफ़ी धीमी थी, मगर उन्होंने सैक्रिफाइस किया अपना विकेट, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर वो भी अपना 100 बनाना चाहते तो बना सकते थे, मगर एक तरफ से रफ्तार बढ़ाना चाहते थे और उसी कोशिश में वो आउट हुए। तो वो जो 77 रनों की पारी थी वो भी यही दर्शाती है कि किस तरह का टीम वर्क रहा आज। बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि पिछले दो मैचेस से ये बात साफ हो रही है कि बिल्कुल सही समय पर श्रेयस अय्यर का बैटिंग फॉर्म जो है वो वापस आ रहा है और आने वाले बड़े मुकाबलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। ये भगवान का शुक्रिया मैं टीम के काम आ रहा हूं, ये कुछ कहा है विराट कोहली ने अपना शतक बनाने के बाद। श्रेयस अय्यर की पारी का जिक्र किया संजय बांगर ने और बिल्कुल ठीक कहा कि बेहद महत्वपूर्ण वो 77 रन भी रहे आज भारतीय टीम ने जो ये 326 का स्कोर खड़ा किया उसमें। तो चलिए, विराट कोहली ने भी यह कहा है कि श्रेयस के साथ एशिया कप का अनुभव काम आया है। तो श्रेयस अय्यर के बारे में विराट कोहली ने जो कुछ कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। 77 रन उन्होंने बनाए 87 गेंदों में जिसमें 2 छक्के और 7 चौके शामिल है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं ईडन गार्डन्स आपको ले चलें। जीएस विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। विवेक, अब जो ये 327 रन का टारगेट सेट किया है हर लिहाज से इस मैदान में, ये अच्छा टारगेट है? साउथ अफ्रीका को अच्छी खासी मेहनत करनी होगी अगर ये अचीव करना है तो आज के मैच में। जी हाँ बिल्कुल प्रीति, ये बहुत ही अबाव पार टारगेट है यहाँ पर जो टीम इंडिया ने यहाँ पर साउथ अफ्रीका को दिया है। अगर आप पहले पारी को भी देखें तो बॉल इतना अच्छा आसानी से आ नहीं रहा था, हालांकि अब जो है अंडर लाइट्स बॉल थोड़ा मूव करेगा और यहाँ पर लोकल बॉय है मोहम्मद शमी, तो उन्हें पता है कि कंडीशन यहाँ पर कैसी है और यहाँ पर उम्मीद देखी जा रही है कि नई बॉल से यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को अच्छा खासा मौका मिलेगा क्योंकि जिस तरीके से पिच खेल रहा है उम्मीद शायद ये थी कि शायद अश्विन को अगर मौका मिलता है यहाँ पे तो 3 स्पिनर्स इस पिच पे और ज्यादा कमाल कर सके, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कॉम्बिनेशन का लॉक है, हमारे 3 फास्ट बॉलर्स इतनी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं कि यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं रख सकते हो। तो उम्मीद यहाँ की जा रही है कि इस पिच पर जो है जिस तरीके की बैटिंग यहाँ पर विराट कोहली ने करी है शायद ही कोई और इस तरीके की बैटिंग कर सकता है और इसी वजह से टीम इंडिया के पास एक एज होगा, क्योंकि अगर हम साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की बात करें तो उन्हें अच्छा लगता है जब बॉल पिच पर आता है और बल्ले पर आती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि विराट कोहली उनके टीम में नहीं है, विराट कोहली तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन टीम में है और आज एक मास्टर क्लास हमें यहां पर देखने को मिला विराट के बल्ले से, और इसीलिए इतने सारे फैंस और ये सभी वो फैंस हैं प्रीति जिनको अंदर देखने का मौका नहीं मिला मैच में, लेकिन इन्होंने अपने मोबाइल पर पारी में एक भी गेंद उन्होंने नहीं छोड़ा और पूरा का पूरा ये यहाँ पर विराट के एक एक पारी को एक एक और बल्ले शॉट को, करोड़ों फैंस हैं पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी, जिन्होंने आज विराट कोहली की ये पारी देखी है, उनके 49वें शतक का सबको बेसब्री से इंतजार था, आज वो इंतजार पूरा हुआ और मुझे पूरा यकीन है कि इन फैंस को अब उनके 50वें वनडे इंटरनेशनल शतक का भी इंतजार है। लगातार ऐसी तस्वीरें भारत के कई हिस्सों से आज आ रही है जहां फैंस एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से अपने क्रिकेट एक्सपर्ट के पास जाना चाहूंगी। संजय, अगर बात की जाए कि अब अगर साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी की बात की जाए तो जैसा कि विवेक कह रहे थे कि दक्षिण अफ्रीका के पास विराट कोहली नहीं है और जो इनफॉर्म उनके बल्लेबाज है क्विंटन डी कॉक, उनके अलावा आपको लगता है कोई और दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी को संभाल पाएगा इतने बड़े टारगेट को चेस करते हुए? दो खिलाड़ी अहम होने वाले, रासी वांडरडुसे और माकरम, क्योंकि दोनों बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं ऐसे विकेट्स के ऊपर जहां घुमाव है, तो आप उनके ऊपर नजर रखिए क्योंकि रासी वांडरडुसे ने जिस तरह से नंबर 3 के ऊपर आके बल्लेबाजी की है तो वो एक काफ़ी अच्छी बुनियाद बना देते हैं वो स्ट्रोक प्लेयर्स के लिए, क्लासन के लिए, मिलर के लिए,
तो सबसे अहम अगर विकेट कोई है तो वो राशि वांडरडुसे का। चलिए ठीक है, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे इस खिलाड़ी की जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, जो इन्होंने आज पारी खेली है उसे तूफानी पारी कहा जाएगा, 40 रन की, और उसी की बदौलत भारत का जो रन रेट है वो 6 के ऊपर रहा लगातार इन 50 ओवर्स में। पाजी, क्या आप इसे कहेंगे एक बड़े स्कोर की नींव रखना शुरुआत में, या आप रन रेट को वो उछाल दे दे कि बाद में कुछ कुशन मिल जाए बल्लेबाजों को? देखिए, अगर पिच को एहसास किया जाए तो बाद में खेलना काफ़ी मुश्किल था, जैसे जैसे गेंद पुरानी होती जाती है शॉट लगने थोड़े से मुश्किल थे, इसलिए शायद उन्होंने ये एहसास किया या उन्होंने ये प्लान किया कि जितने रन पहले 6 ओवर या 8 ओवर में बन सकते हैं ये इंडिया के लिए भी मुश्किल होगा। अगर गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं पहले 6-8 ओवर तो फिर साउथ अफ्रीका को मैच से आप बाहर निकाल देते हैं। जितनी भी तारीफ की जाए दोनों ओपनर्स की, उन्होंने बहुत फ्री खेला और उस समय बल्ले पे ऐसे लग रहा था बॉल आ रही है कि 400 रन बन जाएगी। हाँ। लेकिन जब 8-10 ओवर होने के बाद शायद तब्दीली आई और उसके बाद समझदारी से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने बड़े आराम से खेला, कोई बीच में स्लो गेम भी थी लेकिन सेंसिबल क्रिकेट खेली। ठीक है, और अब इसी की उम्मीद की जाएगी भारत के गेंदबाजों से भी। एक बार फिर से चलते हैं ईडन गार्डन्स जीएस विवेक के पास। विवेक, अब भारतीय गेंदबाजों के लिए वहां पर जो कंडीशंस है वो किस तरह की नजर आ रही है? बड़ा स्कोर खड़ा किया है बल्लेबाजों ने, अब गेंदबाजों के लिए काम आसान होगा? यहाँ काम आसान होना चाहिए, लेकिन जैसे कि संजय ने भी कहा कि उनके साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज जो हैं वो काफी अटैकिंग बल्लेबाज हैं, नया बॉल जरूर मूव करेगा, काफी अच्छी तरीके से मूव करेगा क्योंकि कंडीशंस यहाँ पर ऐसी होती है। लेकिन पहली पारी में हमने देखा, चाहे वो शमजी हो या फिर महाराज, जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी करी, बॉल थोड़ा रुक के आ रहा है, टर्न मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव से भी यहाँ पर बार बार उम्मीद की जा रही है। क्योंकि राहुल द्रविड़ ने भी ये कहा था कि भले ही तीनों फास्ट बॉलर्स पर सारा लाइमलाइट जा रहा है गेंदबाजों पे, लेकिन उतना लाइमलाइट नहीं मिल पा रहा है कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को, जो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। शायद आज वो दिन है जहां पर जब विराट ने बल्ले से अपना शतक पूरा किया तो आज गेंदबाजी में कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा जिस क्रेडिट को उनको उनके लिए बिल्कुल जायज है वो क्रेडिट आज उनको मिल जाए। ठीक है अतुल, आपका क्या समझना है इस मैदान पर, आपको क्या लगता है कौन सा गेंदबाज सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है भारतीय बोलिंग लाइनअप की तरफ से? सारे हमारे एंजल रवा है, मुझे लगता है कि आज एक आधे का ऑफ डे होता है जरूर, पर आज जैसे मार्को जेंसन जो है साउथ अफ्रीका की बड़ी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, आज क्या पिटाई हुई है लगभग 10 रन प्रति ओवर, और विराट ने कहा बाद में इंटरव्यू में कि ये थोड़ी ट्रिकी पिच है और ट्रिकी पिच पे हमारे एवरेज 280 का स्कोर हमने बहुत ज्यादा था और इतना कुशल दे दिया आपने गेंदबाजों को, तो दिल खोल के गेंदबाजी कर रहे हैं, टेस्ट मैच गेंदबाजी में शमी का तो मैदान है, स्विंग कराएंगे, और मुझे लगता नहीं कि साउथ अफ्रीका में इतनी इंटेंसिटी रहेगी क्योंकि एक तो ये डू ऑर डाई मैच नहीं है और दूसरा ये कि उनको लगता है कि कोशिश करेंगे डिकॉक पर वो आउट हो गए तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो पेस पकड़ने वाले प्लेयर अभी उनके पास नहीं है, एक जैसे फिनिशर जो होता है उसकी कमी मुझे नजर आती है साउथ अफ्रीका में। संजय, जिस तरह से भारतीय गेंदबाजी का बोलबाला रहा है अब तक वर्ल्ड कप में, आपको क्या लगता है 8 में 8 आज वही रिकॉर्ड चलेगा? मुझे लगता है बिल्कुल भारत इस वक्त काफी अच्छे पोजीशन में है और सबसे अगर गेंदबाज को ये विकेट शूट करेगा वो है रविंद्र जडेजा, क्योंकि जिस विकेट के ऊपर थोड़ी सी भी मदद हो तो उसको एक्सप्लॉइट करने की एक्यूरेसी इनके पास है। रिस्ट स्पिनर्स थोड़े से महंगे साबित होते हैं ऐसे विकेटों के ऊपर, मगर फिंगर स्पिनर्स और खासकर रविंद्र जडेजा जैसे वो मुझे लगता है बहुत कारगर साबित होने वाले। चलिए, तो अब अपना बोलबाला एक बार फिर से दिखाना है भारतीय गेंदबाजों को, मनमाना है सबको अपना लोहा, क्योंकि अब बारी है गेंदबाजी की। 327 रन का लक्ष्य रखा गया है दक्षिण अफ्रीका के सामने। इस मैच के बाद एक बार फिर से आपसे होगी मुलाकात, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और खबरों के लिए बने रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ।